तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी के चैप्टर 26 को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डोला ब्रोली के खिलाफ लड़ाई में अब क्या करने वाला है। ड्रैगन बॉल काकुमी के अमेजिंग क्रिएटर्स से जुड़े सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि डोला एकदम से ही पावर अप करता है और वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल एक साथ करने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना वेनरेबल है, पर मैंने अपना फैसला कर लिया है। इस लड़ाई से कहीं दूर यूनिवर्स 11 में हम देखते हैं कि गोहान मेडिटेशन में लगा होता है। गोहान किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, जैसा कि हमने कई सालों पहले भी देखा था जब ओल्ड सुप्रीम काया ने गोहान की छुपी हुई ताकतों को बाहर निकाला था। ये रिचुअल भी गोहान की छुपी हुई ताकतों को और भी बेहतर तरीके से जगाने के लिए है। पहले वाले रिचुअल में गोहान को खुद कुछ नहीं करना पड़ा था, पर इस रिचुअल में गोहान को अपनी ताकतों को खुद बाहर निकालना है। पर गोहान ऐसा करने में कामयाब होगा या नहीं, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। इसके बाद हम कई सालों पहले डोला की मेमोरीज को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डोला को चेस कर रहा था। वो चिल्लाता है, चूहे कहीं के, तुम यहाँ पर वापस आओ। पर हम देखते हैं कि डोला वहाँ से खाना चुरा कर भाग रहा होता है। वहीं पर पीछे हम देखते हैं कि एमरॉन और सलागा दोनों ही डोला को देख रहे होते हैं। एमरॉन यानी कि वेनरेबल हेयर ने डोला की मेमोरीज को पढ़ लिया था और उसे समझ आ गया था कि डोला सलागा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। डोला को ये बात काफ़ी समय बाद जाकर समझ आई कि एमरॉन ने सलागा को क्यों भेजा था, डोला को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। डोला कभी भी सलागा के प्रपोजल को मना नहीं करता क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। एमरॉन शुरुआत से ही मौका परस्त नेचर का था, जिसकी वजह से उसने डोला की फीलिंग्स का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया ताकि वो सलागा के साथ उसकी भी इज्जत करने लग जाए। पर जब एमरॉन ये कर रहा था तो डोला को ये बात समझ आ गई थी, पर उसने इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। और इसकी वजह ये थी कि वो सभी लोग एक ही रास्ते पे जा रहे थे, यानी कि उनके अल्टीमेट गोल्स सेम थे। डोला, एमरॉन और सलागा तीनों का ही सेम काम था, यानी कि अपने रैल्म में इज्जत कमाना। भले ही वो लोग अलग अलग लेवल पे इज्जत कमा रहे थे, पर वो लोग सभी एक साथ आगे बढ़ रहे थे। वो ऐसे महान लोगों से मिल रहे थे, इसी वजह से डोला ने खुद को ये बात समझा ली थी कि वो कभी इससे बेहतर ज़िंदगी के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है। उसका नाम काफ़ी ज़्यादा जाना जाने लग गया और उसका नाम उस मैजिशियन के साथ पुकारे जाने लग गया जिसकी वो सबसे ज़्यादा इज्जत करता था। सलागा हमेशा से ही डोला को अपने बराबर समझता था और डोला भी वही करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी सलागा को अपने सबसे लॉयल फ्रेंड की तरह देख सके। उसी के बाद वेनरेबल हेयर के एफर्ट्स काम आए और आखिरकार उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला और इसके बाद वो यूनिवर्स 14 की सबसे महान ताकतों के नज़दीक पहुंच गए। डोला इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता था कि क्या वो अपने एरा में उस तरीके का मार्क छोड़ पाया है जिस तरीके का मार्क सलागा ने अपने एरा में छोड़ा था कई सेंचुरीज पहले। और अब जब डोला अपनी मौत के इतना ज़्यादा नज़दीक है तो उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है। डोला खुद को एक तुच्छ प्राणी की तरह देखता था जो कि डार्कनेस में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, और उससे ठीक उल्टा उसके मन की सबसे गहरी इच्छा ये थी कि वो कहीं इसी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। वो अपने कॉस्मोस की सबसे चमकदार रोशनी की तरह दिखना चाहता था। एक बार फिर से हम लड़ाई में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि डोला ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और एकदम से ही वो तभी गुस्से में चिल्लाता है, मेरी इच्छा ये है कि मैं एक धमाके के साथ यहाँ से जाऊँ। डोला एकदम से ही अपने हाथ की पाँचों उंगलियों में किसी तरीके की डार्कनेस को समन करता है। उसकी पाँचों उंगलियाँ डार्क एनर्जी से चमक रही होती हैं और एकदम से ही वो अपने हाथ को अपने पेट के अंदर घुसा देता है। हम देख सकते हैं कि ऐसा करने में डोला की काफ़ी ज़्यादा ताकत लगी है। उसके शरीर की सारी नसें दिख रही होती हैं और हम देखते हैं कि वो अपने पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना लेता है। ये गड्ढा डार्कनेस से बना होता है और हम देख सकते हैं कि डोला के पेट में से खून नहीं निकल रहा होता। ऐसा करते ही डोला मौत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। डोला ने किसी बहुत ही जानलेवा टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी की सारी एनर्जी का एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा करने के साथ ही डोला के शरीर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। तभी हम रोली को देखते हैं। रोली बोलता है कि उसकी सारी एनर्जी एक ही सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो। तभी हम फिर से डोला को देखते हैं। डोला के चेहरे पे स्माइल होती है। डोला अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका है। हम देखते हैं कि उसके पेट में काफ़ी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है। डोला बोलता है, सलागा, वेनरेबल हेयर, थैंक यू कि आपने मेरी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा एक्साइटिंग बनाया। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ही सलागा पर अटैक करता है और उसे पकड़ के खींचने लग जाता है। ब्रोली बोलता है, क्या सच में तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म करना चाहते हो। डोला बोलता है, बिल्कुल सही सैयन, और तुम भी मेरे साथ आने वाले हो। ब्रोली एकदम से ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डोला को स्पेस में ले जाने लग जाता है।
डोला बोलता है कि तुमने मेरी हालत सच में काफी ज्यादा खराब कर दी सैयन। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, पर वो कुछ भी काम नहीं आया। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर मौत के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से मेरी ताकत 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि मैंने मुझसे पहले वाले सभी समनर्स की ताकत को अपने अंदर बुला लिया है। तो मैं तुम्हें ये बात अभी बता देता हूँ कि तुम्हारे सर्वाइवल का अब कोई भी चांस नहीं है। हम देखते हैं कि डोला के अंदर डार्क एनर्जी पूरी तरीके से फैल चुकी होती है, उसकी आंखें और मुंह भी पूरी तरीके से काला हो चुका होता है, और डोला के मुंह से ये बात सुनकर ब्रोली बिल्कुल चौंक जाता है। डोला की एनर्जी लगातार बढ़ रही होती है, उसके अंदर जो अटैक होता है वो फैल रहा होता है। ये ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ब्रोली को भी विश्वास नहीं हो रहा होता। डोला के आखिरी शब्द होते हैं कि एक ऐसी मौत जो कि एक धमाके की तरह है, जो कि एक पूरा प्लैनेट देख सकता है, इससे कम तो मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ। हम देखते हैं कि डोला के शरीर से बना हुआ धमाका बहुत बड़ा हो चुका होता है, और जैसा कि डोला चाह रहा था, हम देख सकते हैं कि पूरा सडाला प्लैनेट इस धमाके को देख सकता है, क्योंकि इस धमाके का साइज किसी मून से भी ज्यादा बड़ा हो गया होता है। सभी सैयंस अपनी जगह पर खड़े होकर इस धमाके को देख रहे होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये धमाका इतना बड़ा हो गया होता है कि आखिरकार ये प्लैनेट के सरफेस से टकराने वाला होता है। ये धमाका प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में घुस चुका होता है। एडमिरल लेरिक और एडमिरल रूबा भी इस धमाके को देख रहे होते हैं। वो दोनों बोलते हैं नहीं, पर वो जानते हैं कि वो इस धमाके को रोकने लायक ताकतवर नहीं है। इतने बड़े धमाके के सामने वो सिर्फ अपने प्लैनेट को तबाह होते हुए देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि केल की आंखें खुलने लग जाती हैं, पर वो भी अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो ब्रोली या किसी और की मदद कर पाए। हम देखते हैं कि काबा और कलीफला जहाँ पर होते हैं वहाँ से वो ये धमाका देख सकते हैं। काबा बोलता है कि ये वो है, हमें जल्दी करनी होगी। एमरॉन भी इस धमाके को देखता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुमने आखिरकार वो कर दिया। वेजिटा अपने साथी के लिए परेशान हो रहा होता है। वो बोलता है क्या ब्रोली? एमरॉन वेजिटा से बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त को उसे छोड़ देना चाहिए। वो एक्सप्लोजन, मुझे नहीं लगता कि उस एक्सप्लोजन के सामने मैं भी टिक पाता या नहीं। वेजिटा बोलता है कि अगर तुम ब्रोली की बात कर रहे हो तो तुम पागल हो। तभी हम एक बार फिर से ब्रोली को देखते हैं, जो कि इस धमाके के सबसे ज्यादा नजदीक है। ब्रोली इस धमाके के पूरे फोर्स को अकेला झेल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो हार रहा है। तभी हम ब्रोली की आंखों को देखते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रोली एक बार फिर से बिजरकर होने लग गया है। वो एकदम से ही चिल्लाता है, चिल्लाए। ब्रोली एकदम से ही अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल एक साथ करने लग जाता है। वो अपनी बिजरकर ताकतों का इस्तेमाल कर रहा होता है और इस एक्सप्लोजन को एकदम से ही वो कंप्रेस करने लग जाता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन एकदम से ही कंप्रेस होते होते एकदम से ही ब्लैक होल की तरह लगने लग जाता है, और हम देखते हैं कि इसके अंदर से काफ़ी सारी डार्क एनर्जी निकलती है। तभी हम प्लैनेट पर एडमिरल लेरिक को देखते हैं। वो बोलते हैं कि वो एक्सप्लोजन अब वो बड़ा नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि बिजरकर ब्रोली के हाथों में डोला होता है, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका होता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसे इतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही होती है कि उसके शरीर की सारी नसें दिखने लग जाती हैं। तभी एमरॉन बोलता है कि ये सैयन। वेजिटा को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि वो उस एक्सप्लोजन को कंप्रेस कर रहा है। तभी हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी एक आंख में प्यूपल दिख रहा होता है और एक आंख पूरी तरीके से वाइट होती है, यानी कि इस वक्त वो अपने बिजरकर फॉर्म में भी है और उसे कंट्रोल भी कर रहा है। डोला की बात पे एकदम से ही ब्रोली चिल्लाता है, चुप हो जाओ। ब्रोली डोला के अटैक के साथ साथ उसकी बॉडी को भी कंप्रेस करने वाला होता है, और डोला अपने आखिरी शब्द चिल्लाता है, नहीं, ये सच नहीं है। इससे पहले कि डोला कुछ और बोल पाता, हम देखते हैं कि ब्रोली का हाथ बंद हो जाता है, और ऐसा करते ही हम देखते हैं कि ब्रोली प्लैनेट पे आके गिरने लग जाता है। प्लैनेट को बचाने की कोशिश में क्या ब्रोली ने अपनी जान दे दी है, या ब्रोली अभी सही सलामत है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।